आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक न्यू एनएफओ के बारे में, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो है लॉन्च किया गया है। फंड का जो इश्यू है 30 जुलाई 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 14 जुलाई 2021 तक जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और अगर हम बात करें स्कीम के नाम के बारे में, ईटीएफ के नाम के बारे में, तो जो ईटीएफ है एसबीआई कंसेप्शन ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो ईटीएफ के बारे में आप सब जानते होंगे कि ईटीएफ जो होते इंडेक्स फंड्स की तरह, म्यूचुअल फंड्स की तरह, बट डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि इनको जो है हम एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं डायरेक्टली एक्सचेंजेस पर, ठीक उसी प्रकार है जो हम ईटीएफ को बाय सेल कर सकते हैं एक्सचेंज पर। उसके लिए हमें जो आपको डीमैट अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की जो है एक नीड होती है, जहां से आप जो है ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी कंसेप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स, इस स्कीम का बेंचमार्क है। और अगर हम बात करें निफ्टी कंसेप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में, तो जो इंडेक्स में 30 स्टॉक्स लिस्टेड है, जो कि परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूम्पशन सेक्टर की परफॉर्मेंस को जो है ट्रैक करते हैं। इंडेक्स में जो स्टॉक्स लिस्टेड है उन सेक्टर्स के हैं, फॉर एग्जाम्पल मीडिया, एंटरटेनमेंट, होटल्स, फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स जो है लिस्टेड है, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर्स के स्टॉक्स के जो है लिस्टेड हैं इस इंडेक्स में। यानी कि जो आम आदमी की एक लाइफ में जो है यूजेस होते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो लोग कंज्यूम करते हैं चीजों को, फॉर एग्जांपल हमें फार्मा की प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सिनेमा से हम देखने जाते हैं मूवीज को, और फूड्स वगैरह की, जो ऐसे ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। यानी कि जो भी डोमेस्टिक, यानी कि हमारे इंडिया में जो लोग यूज करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं जो नेसेसरी होते हैं कंज्यूम्पशन के लिए, यानी कि जिनकी जरूरत है जो रहती ही रहती है, उस इंडेक्स वो सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। और लास्ट वन ईयर में निफ्टी कंजप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स ने जो रिटर्न्स डिलीवर किए हैं 36.04% की रिटर्न्स है जो डिलीवर किए हैं ओवर ए पास्ट फाइव ईयर, सॉरी ओवर ए पास्ट ईयर। और वहीं पिछले 5 सालों में 11.45% की रिटर्न्स हैं जो इस इंडेक्स ने डिलीवर की हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईटीएफ के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जो स्कीम का इशू है 30 जुलाई 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 14 जुलाई 2021 तक जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और उस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपए, लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड आप कर सकते हैं। जब स्टॉक्स, जब ईटीएफ एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो जाएगा, तो आप फिर चाहें एक ईटीएफ भी जो है वहां से एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं। और स्कीम के जो फंड मैनेजर रहेंगे मिस्टर हर्ष सेठी जी, इस स्कीम को मैनेज करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं एसबीआई आईटी ईटीएफ को, जिसकी रिटर्न्स भी काफी अच्छी पिछले लास्ट टाइम में रही है। तो ईटीएफ में कोई भी एग्जिट लोड या एंट्री लोड तो नहीं रहता, बट फिर भी जैसा कि आपको पता है कि एक्सचेंज पर जो है हम डायरेक्टली इसको बाय सेल कर सकते हैं, तो वहां पर जहां पर भी आपका डीमैट अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ब्रोकरेज चार्जेस वहां पर ईटीएफ में ट्रेडिंग करने के लगते हैं। और स्कीम में एक्सपेंस रेशियो रहता है, वो एक्सपेंस रेशियो मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि स्कीम में एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा। वैसे कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज फंड्स जो है, पैसिव फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, ईटीएफ में जो है एक्सपेंस रेशियो कम ही होता है। और आपको बता दें कि जो एनएवी अभी एप्लीकेबल होगी, कुछ लोग सोच लेते हैं कि जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में एनएवी ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड 10 रुपए एप्लीकेबल होती है, तो ईटीएफ में भी ठीक उसी प्रकार एनएवी एप्लीकेबल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ईटीएफ है जो 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे ऐसे उनकी यूनिट्स है जो जब लिस्टेड होते हैं ऐसे उनको जो है एक्सचेंज पर बाय सेल करने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो ईटीएफ की एनएवी की वैल्यू होती है वो 10 रुपए होती है। तो जिस दिन वो ईटीएफ जो है लिस्टेड होगा, उस दिन जो है आपको उसकी एनएवी की, यानी कि एक ईटीएफ की यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो कुछ दिन पहले आपने भी प्रशांत जैन जी, जो कि सीआईओ है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के, उनका इंटरव्यू देखा होगा, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो कंज्यूम्पशन स्टॉक्स है वो बहुत ही महंगे हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो वहां पर जो है थोड़े से इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गए जिन्होंने उनका इंटरव्यू देखा था, कि वो निवेशक जो निवेश करने की सोच रहे थे कि एसबीआई ईटीएफ कंज्यूम्पशन ईटीएफ में निवेश करेंगे, बट वहां पर उन्होंने कहा कि जो कंज्यूम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव हैं। देखिए, हो भी सकते हैं एक्सपेंसिव लग भी रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है, ओवर वैसे भी काफी स्टॉक्स हैं जो ओवर वैल्यूड इस टाइम हो गए हैं, बट उन्होंने कहा कि जो कंज्यूम्पशन स्टॉक्स हैं वो भी इस टाइम काफी एक्सपेंसिव हैं। तो ऐसे में क्या निवेशकों को इस टाइम भी इस ईटीएफ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, फिर भी कंज्यूम्पशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में हम जो है उनको कंज्यूम किए बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेडिसिन की हमें नीड पड़ती है, चाहे हमारे सिर दर्द से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक है जो हमें मेडिसिन की नीड पड़ती है, बड़ी बड़ी डिसीज तक जो है हमें उनकी मेडिसिन की नीड पड़ती है। फूड
मीडिया एंटरटेनमेंट मोबाइल के बिना हमारा काम नहीं चलता, टेलीकॉम सर्विसेज नेट इंटरनेट की सर्विसेज नहीं चलेगा तो हम जो है ऐसे लगता है हमारे लाइफ में रहा ही नहीं कुछ। तो कंज्यूमशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रोथ जिसमें होनी ही होनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो कंज्यूमशन सेक्टर में जो नेगेटिव आपको दिखाता हो। हाँ, हो सकता है कि अभी थोड़े एक्सपेंसिव हो कंज्यूमशन सेक्टर के स्टॉक्स, वैसे भी बहुत से स्टॉक हैं जो इस टाइम ओवर वैल्यूड है, काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स जो है मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रही है। तो ऐसे में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। स्क्रीन स्कीम में दी गई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आप एक बार चेक कर सकते हैं, अच्छी जानकारी लेने के बाद ही आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।